गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल फिफ्थ क्लास हिंदी। आज से रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, तो पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, राकेश गडकरी क्या बनना चाहता है, उसके क्या क्या शौक हैं। राकेश गडकरी सेकंड चैप्टर से है। राकेश गडकरी चिकित्सक बनना चाहता है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, चिकित्सक बनना चाहता है। उसे किस किस चीज़ की शौक़ है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। सेकंड, जगजीत कौर कौन है और कैसी लड़की है। सेकंड चैप्टर से लिया गया है। जगजीत कौर पंजाब की कुड़ी है, किसकी, पंजाब की कुड़ी मतलब लड़की, पंजाब की कुड़ी है और वह कक्षा की सबसे ज़्यादा हंसमुख लड़की है। हंसमुख मतलब हंसाने वाली, जो बहुत ही कॉमेडी करती है उसे हम हंसमुख कहते हैं। ओके, हंसमुख लड़की है। जुलूस निकालने में बहन ने भाई की मदद कैसे की। जुलूस निकालने में बहन ने भाई की मदद कैसे की। थर्ड चैप्टर से, बहन ने अपनी ओढ़नी फाड़कर झंडा बनाया, पुरानी ओढ़नी फाड़कर क्या बनाया, झंडा बनाया। फिर भैया की आरती उतारकर व तिलक लगाकर विदा करके जुलूस निकालने में उसकी मदद की। ओके, किसने, उसकी बहन ने ओढ़नी को फाड़ के झंडा बनाया और क्या किया, भैया की आरती उतारकर तिलक लगाया। ओके, जुलूस निकालने में उसकी मदद की। लोग जुलूस क्यों निकालना चाहते थे, अत्याचारी बादशाह के विरुद्ध लोग जुलूस निकालना चाहते थे, अत्याचारी के विरुद्ध लोग क्या करना चाहते थे, जुलूस निकालना चाहते थे, उसका विद्रोह करना चाहते थे। ये क्या है, फोर मैंने दे दिया है प्रश्न उत्तर, आगे और देंगे। ओके, नीचे क्या है, शब्दार्थ, शब्दार्थ देखो। प्रसार, प्रसार का मतलब फैलाव, प्रसार का मतलब फैलाव मतलब फैलना। ओके, मनोरथ अभिलाषा इच्छा, मनोरथ अभिलाषा, जो हमारी अभिलाषा है, हमारी मतों हमारी इच्छा जो है वो। परिचय, आप लोग बोलते हो ना कि अपना परिचय दीजिए, तो जान पहचान, उसकी क्या जान पहचान है, किससे जान पहचान है, वो जान पहचान, जान पहचान हो गया। पसंद मतलब रुचि, मेरे को खेलना पसंद है या मुझे समोसा खाना पसंद है, तो रुचि मेरी क्या है, वो यहाँ पे रुचि में आप बोलोगे कि मुझे क्या, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, हिंदी है, मैथ है, जो भी सब्जेक्ट पसंद है, इंग्लिश है। ओके, तो रुचि। कुड़ी, पंजाब में कुड़ी को क्या कहते हैं, पंजाब में लड़की को कुड़ी कहते हैं, तो लड़की, पंजाब में लड़की को कुड़ी कहते हैं। कटु, कटु का मतलब क्या होता है, कड़वा, कटु का मतलब क्या होता है, कड़वा। कटु शब्द हो गया, बहुत ही कटु बोलता है वो, ऐसे बोलते हैं, बहुत ही कटु बोलता है, बहुत ही कड़वा बोलता है, जब भी मुँह खोलता है वैसे बोलता है। आतंक मतलब भय, आतंक का मतलब भय। उमंग, उमंग का मतलब जोश, उमंग। आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया, इस बार हम परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो क्या है, जोश है कि अच्छा काम करेंगे। आग्रह मतलब हट करना, कि मम्मी से आप जिद करते रहते हो कि मम्मी मुझे ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, वो कर दो, वो कर दो, तो हो गया हट करना। सतत मतलब सदा, सदा मतलब हमेशा, कंटिन्यू करना कि मैं यही काम करता ही रहूँगा, सतत करता रहूँगा, सतत प्रयास करने से ही, परिश्रम करने से ही अच्छा फल मिलता है। ओके, उद्धार मतलब कल्याण, किसी का उद्धार कर देना, कहते हैं ना, किसी का उद्धार कर दिया मतलब कल्याण कर दिया, उसका जीवन सफल हो गया। तुच्छ, छोटा, तुच्छ मतलब कैसा तुच्छ आदमी है, कैसा छोटा आदमी है, जो उसकी सोच ऐसी है, हम लोग सोच पे बोल देते हैं ना, कितना सोच कितना छोटा सोच है इसका, वैसा तुच्छ। अभाव कमी, कमी मतलब हर चीज़ में आ जाती है, बहुत ही कमी कर रहे हो, या घर की तंगी के बहुत ही, अभी बहुत ही का अभाव चल रहा है, वैसा तंगी। भयंकर डरावना,
मतलब भाई ये कोरोना का जो ये था बहुत ही डरावना था, बहुत ही भयंकर था। विचलित करना, अधीर हो जाना, घबरा जाना, इसके कारण बहुत विचलित हो गए थे हम लोग। ओके, दुर्दशा, बुरी हालत, क्या दुर्दशा बना के रख दिया इस कोरोना ने, जो सबकी जीवन यापन खराब हो गया है। ओके, तो ये क्या दुर्दशा हो गया, बुरी हालत करके रखा है इस सारे भारतवासियों को, किसने, कोरोना ने। तो दुर्दशा, बुरी हालत, ये कुछ शब्दार्थ हैं। नेक्स्ट और भी शब्दार्थ करेंगे, तो सारे बच्चे ये अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, आज से जितना असेसमेंट जाएगा वो सबके सब याद करना है, साफ राइटिंग में लिखना भी है। ओके, और अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके।